नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सागर मित्र योजना के तहत मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा और साल 2022 तक 2 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रहेगा। इसके लिए विशेष फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब तबके का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 16 अहम फैसले लिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़े फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि अब जीवन बीमा निगम में सरकार अपनी हिस्सेदारी का बड़ा भाग बेच देगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि कितना हिस्सा बेचेगी, यानी LIC का निजीकरण पूरी तरह होगा या नहीं, ये साफ नहीं है। और इसके अलावा IDBI बैंक में भी सरकार ने अपने शेयर बेच देने का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर 10% आयकर देना होगा और 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक 15% आयकर देना होगा। 10 लाख रुपए सालाना से 12.5 लाख रुपए तक 20% आयकर चुकाना होगा और 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक 25% कर देना होगा और 15 लाख से ज्यादा की सालाना आमदनी पर 30% की दर से कर चुकाना होगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2030 तक कामकाजी उम्र के हिसाब से भारत सबसे बड़ा देश होगा। नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द होगी। 150 उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 तक शुरू हो जाएंगे। इसमें स्किल्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा के लिए FDI लाने की बात कही और शिक्षा में बड़े निवेश की जरूरत भी बताई। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा वर्ग से जुड़ी कल्याण योजना के लिए 85,000 करोड़ रुपए दिए। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 53,700 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया। वित्त मंत्री ने बजट में टूरिज्म बढ़ाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए संजीदा है। इनके लिए 9,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे की कमाई बहुत कम है, इसलिए सौर ऊर्जा तैयार करने के लिए रेलवे की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। देश में तेजस जैसी और ट्रेनें चलाई जाएंगी। तेजस ट्रेनों के जरिए पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। देश भर में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म कर दिया गया है। बजट से उम्मीद लगाए बैठे शेयर बाजार में निराशा देखी गई है। हालांकि बजट पेश होने से पहले भी शेयर बाजार में उत्साह नहीं दिखा और सुबह 11 बजे तक सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली तेजी देखी गई, लेकिन इसके अलावा एक घंटे बाद ही शेयर बाजार में सुस्ती आ गई और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर कारोबार करते देखे गए। बता दें कि आम बजट पेश होने की वजह से साप्ताहिक अवकाश यानी शनिवार को भी शेयर बाजार में कारोबार हो रहा है। वित्त मंत्री ने माना कि राजकोषीय घाटा इस साल 3.80% होने का अनुमान है। पहले सरकार ने माना था कि ये बीते साल के 3.3% से बढ़कर 3.50% हो सकता है, पर अब सरकार इस घाटे में और बढ़ोतरी की बात मान रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी बैंकों के लिए 3,50,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया जाएगा। बैंकों के कामकाज को पारदर्शी बनाया जाएगा। बैंकों में जमा रुपए पर 5 लाख रुपए तक की गारंटी दी जाएगी, यानी पैसा बैंक में फंसने पर 5 लाख रुपए तक वापस किए जाने की गारंटी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं की शादी की उम्र 1978 में 15 साल से बढ़ाकर 18 कर दी गई थी। फिर शारदा एक्ट लाया गया, मकसद पोषण को बढ़ावा देना भी था। और अब एक टास्क फोर्स बनेगा जो 6 महीने में इस पर दोबारा विचार करेगा। 35,000 करोड़ रुपए पोषण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च होगा। शाहीनबाग में पिछले 45 दिनों से प्रदर्शन कर रहे लोगों से मोदी सरकार बात करने को तैयार है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि सरकार शाहीनबाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत को और उनकी शंकाओं को दूर करने को राजी है, लेकिन इसके साथ रविशंकर ने एक और बात कही। वह बोले कि ऐसा तब ही होगा जब शाहीनबाग के लोग भी बातचीत को तैयार होंगे। निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी मुकेश के बाद अब दोषी विनय शर्मा की भी दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। इसके साथ अब विनय शर्मा के भी सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं। बता दें कि आज इन चारों दोषियों को सुबह 6 बजे फांसी होनी थी, लेकिन शुक्रवार को उसे टाल दिया गया था। अभी फांसी की नई डेट नहीं आई है। निर्भया केस में शुक्रवार को दिल्ली कोर्ट ने दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। दोषियों के वकील की दलील थी कि उनके एक मुवक्किल विनय शर्मा की राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित है और आज 4 दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज दी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।